subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos. राम राम जय माता की। आज 223 तारीख है और आज सुबह से बारिश लगी थी और आज अब थोड़ी देर से बर्फ शुरू हुई है और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज देखने को मिलता है और अब हमने चूल्हा जलाया है, हम चले चूल्हे के पास। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी बैठे हम चूल्हे के पास, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम बैठे हैं चूल्हे के पास। तो आज हमारा कोई स्पेशल प्लान नहीं है, तो आज हम बना रहे हैं पकौड़े जो कि बना रहे हैं मेरे पापा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे मेरे पापा आपको सुनाएंगे कुछ पुराने ज़माने की यादें, जो यादें ताज़ा करेंगे जो इनके ज़माने में क्या क्या होता था, क्या क्या काम इन्हें करना पड़ता था और साथ ही साथ कि जीवन जीना कितना कठिन हुआ करता था उस समय पर। तो सबसे पहले चलिए पकोड़े बता देता हूँ मैं आपको किस तरह बना रहे हैं हम लोग। जय माता जी, राम राम। तो अभी हम पकोड़े के लिए क्या बोलते हैं प्याज छिल रहे हैं, फिर उसके बाद हम बनाएंगे पकोड़े। तो इसको हम पतला पतला काटेंगे, अब बनाएंगे हम पकौड़े। तो हमने ये क्या सारा मसाला तैयार कर दिया गया है और अब हम पकौड़े बनाने जा रहे हैं। वो हमने ये कढ़ाई में डाल दी है। और इसी के साथ हम जान लेते हैं, जो पापा मुझे इससे पहले बता रहे थे पकौड़े खाने से पहले, कि उनके समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, ये कह रहे थे कि जो बर्फ़ होती थी वो आपके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी। तो एक बार पापा से सुन लेते हैं कि वे क्या कह रहे थे। हमारे टाइम में 7-7 फुट बर्फ पड़े थे, हमने ना बात और लाई थे और कहीं ढील के फाड़ी थे, तेवे वही थे गेहूँ जो छाली आलू बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। डेढ़ 200 बोरी आलू को दी थी। अब तो मतलब कहीं मतलब ऐसा नहीं कहीं एक बूटा मिलता होगा आलू का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।